क्या तमाशा है ये? और किस लिए? रानी की मेहंदी के लिए। का बाऊजी, रानी बिटिया जी, कुवरसा एकदम सही टाइम पर लौटे हैं आप। हाय पिंकू। कुवरसा ये सब का चल रहा है? आपने अपनी बेटी की मेहंदी नहीं देखी ना? आज देखेंगे। हम इन दोनों का ब्याह नहीं देख पाए थे ना, इसलिए जमाई बाबू हमारी खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। देखो तो कितनी अच्छी साड़ी ले आए हैं इसके लिए। कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी रानी बिटिया। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। अब से आप हमसे सवाल करने का हक खो चुके हैं। ये हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहे उसे वैसे जिएंगे। जयपुर की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली का कुंवर यहाँ गांव में आकर ढोल बजा रहा है। क्या दिन आ गए हैं। रानी सा ने वीर को ऐसे देख लिया तो वीर के साथ साथ मेरा क्या हाल करेंगी पता नहीं। आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कुवरसा, आपने हमारी बिटिया की खुशियों को अपना बना लिया। इससे ज्यादा हमका कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुवरसा। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। अब से आप हमसे सवाल करने का हक खो चुके हैं। ये हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहे उसे वैसे जिएंगे। आपने गलत इंसान को आशीर्वाद दिया है काका। अब आपका दामाद मैं नहीं, We'll be right back.
ये है बिरजू भयंकर। सही क्या कह रहे हैं आप? काका मैं जानता हूं चौंका देने वाली बात है लेकिन यही सच है। आपके आशीर्वाद का असली हकदार मैं नहीं बिरजू है। पगला गए हो डॉक्टर, कुछ भी बोले जा रहे हो। बिटिया ये कहा है, ये जमाई बाबू क्या कह रहे हैं? हमार रानी बिटिया रामा ने ये सब कहा? ए अम्मा, अम्मा क्या हुआ? ए पिकू, पिकू कुछ ना संभाल के, पीछे पीछे पीछे। कुवरसा, कुवरसा क्या हुआ? हमसे कोनो भूल हो गई है का? अरे कोनो कमी रह गई है तो बता दीजिए, हम पूरी कर देंगे। पर कुवरसा ऐसा मत कहिए। काका मेरी बात सुनिए, आप क्यों दुखी हो रहे हैं जब रानी खुश है? ये सब तो उन्हीं के लिए हो रहा है। आप जल्द से जल्द इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए, उन दोनों की शादी करवाइए। कुवरसा आप ऐसा काहे कह रहे हैं? काका मैं वही कह रहा हूं जो रानी ने मुझे कहा है। रानी? हैरान हूं मैं आपकी हरकत पर ब्रो। अरे देखिए इन सबको, इन सबके चेहरे पे आपको दुख नजर नहीं आता, दर्द नजर नहीं आता? भाभी साहब जो आपसे इतना प्यार करती है उनके बारे में आप ऐसी चीजें सोच भी कैसे सकते हैं? आपने भाभी साहब और बिरजू, घिन आती है मुझे आपकी सोच पर, घिन आती है। आपको क्या लगता है ये सब करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे? मेरे अंदर कितना दर्द है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको उनका। लेकिन आप, मैं, रामू काका, हम सब चाहे जितना भी दुखी हो जाए उससे सच तो नहीं बदलेगा ना? हमारा कैसा लगा था आप हमारा के संसार छोड़ने से पहले हमारी बिटिया का बियाह देंगे आगे आपका खुशी देना चाहते हैं। दादी, दादी, हटिए सब पीछे हटिए। आप पीछे हटिए। मना किया था ना आपसे? मना किया था ना ये सब करने के लिए? तो फिर क्या किया ये सब? आप क्या कर दिया आपने ये सब? हमारी दादी को हम खो चुके हैं सगा पूछे। दादी सांस नहीं ले पा रही है। दादी क्या हुआ तुमको? भाभी साहब
दादी। इनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, जल्दी से आप पैर मलिए, जल्दी से पैर मलिए इनका। निशा का फोन, खम्मा घनी रानी सा, घनी खम्मा रामू, किस्मत एक बार फिर हमें तुम्हारे बलिया ले आई है। हम नत्थु लॉज में ठहरे हुए हैं। अपनी रानी सा को मिलने नहीं आओगे? याद रहे फोन तुम्हें किया है, मतलब सिर्फ तुम्हें आना है। जी रानी सा, चौक। खम्मा खड़ी रानी सा। आओ रामू। माफी रानी सा, वो दरवाजा खुला था तो हम। वफादारों के लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, पर शायद तुम भूल गए हो कि तुम नौकर थे हमारे घर में। रानी सा, वो दामाद जी का बोल रहे हैं, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो हुई है रामू, देखो ना, इस पैर पर हमारा मतलब है, हमारे पैर पर मिट्टी लगी है, तुम्हारे बलिया गांव की देन है ये गंदा गांव, गंदगी में रहने वाले लोग और पता नहीं क्या क्या। खैर, जरा साफ कर दो इसे। अगर मालिक तकलीफ में हो तो नौकर जात भावुक हो जाती है, थोड़ी सी ही तो धूल लगी है, पहले हमारा पांव पोछ दो, फिर अपने आंसू पोछ लेना। जो हुक्म रानी सा। जरा ठीक से साफ करो। अब कुछ दिन हम यहीं रहेंगे, कल से सफाई करने आ जाना।
तुम तो जानते हो रामाधीर, हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। 20 साल तक हमने तुम्हें पाला है, तुम्हारे परिवार को पाला है। कर्ज तो उतारोगे ना? पूरी जिंदगी ही आपके अंगूठे के नीचे बिता देंगे, बस हमारी बिटिया का घर टूटने से बच जाए। हे माता रानी, मदद करो हमारी। रानी की जिंदगी पर आई इस मुसीबत से उसे छुटकारा दिला दो। थोड़ी देर आराम करेंगी, सोएंगी तो बेटर फील करेंगी। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, डोंट वरी। रानी, रामू काका नहीं मिल रहे। हम आसपास भी देखे लेकिन उनका पता नहीं चल रहा। अब आपका दामाद मैं नहीं, ये चुप कर। मिल गए आपको तसल्ली, पहुंच गई कलेजे को ठंडक, ले लिया बेबी जूल का बदला। मैंने कोई बदला बदला नहीं लिया, सिर्फ सच कहा है सबको। सब कुछ जो हो रहा है ना रानी, इसकी वजह भी आप ही हैं। भूलिए मत, बेबी जूल का इल्जाम मत डालिए मुझ पर। क्यों ना लगा इल्जाम, हमारी दादी अम्मा का ये हालत आप ही की वजह से हुआ है। न जाने कहा है, सिर्फ और सिर्फ कहा कि आपने उन्हें दुख पहुंचाया। आप ही जिम्मेदार है डॉक्टर साहब। अगर आप गोवा में वो सब नहीं करती तो आज बलिया में ये सब नहीं होता। डॉक्टर बिरजू, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रामू काका को ढूंढने जाना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो, ठीक है? चलो जल्दी चलो। चलिए चलो चलो। पतीले में गर्म पानी ले आना, जल्दी। चलिए अमरीसा। अरे किए तमाशा दादी अम्मा के सामने? मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अच्छा, जो कहना था जो करना था सब कर चुके हैं ना? हो गया ना आपका, तो यहाँ क्या कर रहे? जाइए, अरे जाइए ना, हमारे घर से, इस गांव से, हमारी जिंदगी से चले जाइए आप। हमारे बाबूजी ना जाने कहा है, दादी अम्मा बीमार है, बर्बाद कर दिया आपने। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मुझसे? आरती उतारूंगा आपकी मैं, शाबाशी दूं आपको इस गंदी हरकत के लिए। जो आपने किया है ना रानी, उसका यही अंजाम होना था। ये गलत आप है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम सब कुछ भूल जाए और कोई बवाल खड़ा कर दे, ले जाइए आप यहां से। आपकी इस नफरत को सहने की ना हमें कोई शक्ति बची है और ना ही कोई इच्छा। जिस स्पीड से आप हमारी जिंदगी में आए थे ना, उसी स्पीड से निकल भी जाइए।